ये हम लोग पहले झुंड के पास आए हुए हैं और यहाँ सफाई हो जाए इसके बाद इनको खिलाया जाएगा। ये इन बिचारों के पास हम बैठे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि यह धर्म का कार्य रुक जाए और रात दिन इधर उधर की बात करते हैं और सोचते हैं कि यह कार्य रुक जाए। पहली मीटिंग में विलंब इसलिए हो रहा है कि यह विश्व स्तरीय मीटिंग होगी और इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं। और हमारी टीम जहां जहां भी है एक्टिव हो जाए, हमें कहना ना पड़े बार बार जो नास्तिक है उससे बात ही मत करो, जो आस्तिक है उसे जोड़ो, नास्तिक आदमी को दूर ही रखो इस जय बजरंगबली हेल्प ग्रुप से, और जो आस्तिक है उसे जय बजरंगबली हेल्प ग्रुप में तुरंत शामिल करो, देर मत करो। इस ग्रुप के जितने सदस्य हैं सब लोग एक्टिव हो जाएं, देर ना करें, क्योंकि जितनी देर करेंगे राक्षस हावी होना चाहते हैं, लेकिन जय बजरंगबली और बजरंगबली हेल्प बजरंगबली के ऊपर उन राक्षसों का तनिक भी प्रभाव नहीं हो सकता। चाहे वो जितनी बाधा डाल लें, चाहे वो मूड़ पटक डालें, लेकिन तनिक भी असर नहीं होगा। वह राक्षस सोच रहे हैं कि यह धर्म का कार्य किसी तरह रोक दिया जाए, पूरा प्रयास कर रहे हैं। और यह कोई कनैली की लड़ाई नहीं है, जो विश्व स्तरीय लड़ाई है और शुरुआत हमारे गांव से हुई है। इनके भूखे पेट के लिए दुनिया से टकरा जाएगी जय बजरंगबली हेल्प की टीम। इस संगठन का काम निर्माण धर्म के कार्य के लिए हुआ है। हम लोग दूसरी झुंड के पास आ गए हैं इस समय। जय बजरंगबली हेल्प की टीम जहां जहां भी एक्टिव हो जाए, पहले मीटिंग का अनाउंसमेंट बहुत जल्द किया जाएगा। आज हमारे गुड्डू भाई आए हुए हैं सहायता के लिए, जो कि इस महीने के लिए अपना दान दे चुके हैं। पहली मीटिंग होते ही यह लड़ाई विश्व स्तरीय हो जाएगी, बस थोड़े समय की बात है। हमारी टीम बहुत जल्द आ रही है और इस महीने के अभी 8 दिन बाकी हैं। जो लोग अभी बचे हुए हैं इस महीने के लिए, वो आगे आकर इनकी सहायता करें। इस धरती पर रईसों की कमी नहीं है, अगर वो चाह लें तो इनकी भूख मिटाई जा सकती है। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप महीने में 1 रुपये दीजिए, लेकिन दिल से दीजिए, श्रद्धा से दीजिए, जिससे इनके भूखे पेट को भरने में आसानी हो। आप लोगों को महीने में 1 दिन मिला है और उसमें भी पीछे हो रहे हैं, इसका मतलब कलयुग चरम पर है, कलयुग हावी हो रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं तीसरी झुंड के पास।